नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में मंडी हवाई अड्डा विकास से संबंधित एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय विमानपतन प्राधिकरण ने मंडी में प्रस्तावित ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का आवश्यक भूमि सहित संशोधित मास्टर प्लान प्रस्तुत किया है, ताकि इसकी हवाई पट्टी के ओरिएंटेशन का निर्धारण और परामर्शकर्ता द्वारा ओएलएस चार्ट तैयार किया जा सके। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने नागर विमानन मंत्रालय और भारतीय विमानपतन प्राधिकरण के सुझावों के अनुसार रनवे का संरेखण तय करने के लिए वेबकोस लिमिटेड द्वारा लेडार सर्वेक्षण पूर्ण कर लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नागर विमानन मंत्रालय द्वारा पूर्व में दी गई साइट क्लियरेंस तथा जमा करवाए गए मास्टर प्लान के अनुसार यहां 2100 मीटर रनवे के निर्माण तथा दक्षिण भाग में इसके 1050 मीटर संभावित विस्तार के साथ योजना तैयार की गई थी। उन्होंने कहा कि हवाई लेडार सर्वेक्षण और केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के साथ आयोजित बैठक के बाद यहां 3150 मीटर लंबी हवाई पट्टी की संभावना तलाश करने पर सहमति बनी थी। इस आधार पर विश्लेषण के उपरांत हवाई पट्टी की लंबाई दक्षिण भाग के बजाय उत्तर भाग में 1050 मीटर करने पर कार्य किया गया। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हवाई पट्टी की दिशा में प्रमुख बदलाव के उपरांत अब यह AV-320 प्रकार के हवाई जहाजों के संचालन के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि इस हवाई अड्डे से वर्ष भर विमानों का संचालन संभव होगा और कैट आई लाइटिंग सिस्टम से रात्रि के समय भी विमानों का संचालन किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए राज्य सरकार और भारतीय विमानपतन प्राधिकरण के बीच एक संयुक्त उपक्रम कंपनी बनाने पर भी विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह परियोजना प्रदेश में न केवल बेहतर हवाई सुविधा प्रदान करने के साथ साथ पर्यटन उद्योग को भी बढ़ावा देगी, बल्कि सामरिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस परियोजना के वित्त पोषण के लिए मामला केंद्र सरकार के समक्ष उठाएगी। उन्होंने कहा कि 15वें वित्त आयोग ने इस बड़ी परियोजना के लिए 1000 करोड़ रुपयों की सिफारिश की है। इसके उपरांत पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने कहा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के पश्चात हमने कनेक्टिविटी पर फोकस किया है और इसलिए लगातार हम इस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि बाई एयर कनेक्टिविटी उसमें भी सुधार हो, उसके अतिरिक्त बाई रोड कनेक्टिविटी उसमें भी इम्प्रूवमेंट हो। और उसमें हमने बहुत अच्छा काम किया है। आज तक के इतिहास का 4 साल के कार्यकाल में जो रोड लेंथ हमारे इस कार्यकाल में बनी है वो किसी कार्यकाल में नहीं बनी है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद अब रेलवे की अगर हम बात करें तो रेलवे का भी हमको उसमें भी हमने कोशिश की है आगे बढ़ाने के लिए, चाहे भानुपुली से बैरी की बात है और उसके अतिरिक्त जो दूसरे जो रेलवे के प्रोजेक्ट हैं उनको लेकर के भी। लेकिन पहली हमारी प्राथमिकता, क्योंकि टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और हिमाचल में कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए एक फुल फ्लैज एयरपोर्ट होना चाहिए। हमारे पास एक शिमला है, एक कुल्लू में है भुंतर में, और तीसरा हमारे पास कांगड़ा एयरपोर्ट है और छोटे स्ट्रिप के हैं ये सारे। तो बड़ा एयरपोर्ट हो, उसके लिए जो ओएलएस सर्वे होना था वो हो चुका है, उसकी पूरी रिपोर्ट आ चुकी है। और उसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट सर्वे होता है, लीडार सर्वे जिसको बोलते हैं, वो अभी हाल ही में होकर के पूर्ण हुआ है, उसकी रिपोर्ट आई है। उसकी रिपोर्ट के आने के पश्चात फिर हमने आज बैठक की है कि अब हमको आगे प्रोसीड करना है। हमारी प्राथमिकता की हिमाचल प्रदेश में कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए एक एयरपोर्ट की, बड़े एयरपोर्ट की ज़रूरत है, जिसमें हम फोकस करके मंडी का एयरपोर्ट, नया एयरपोर्ट और कांगड़ा के एयरपोर्ट की एक्सपेंशन। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर को आज शिमला में अरनी विश्वविद्यालय के श्री विवेक ने मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 1,01,001 रुपये का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने इस पुनीत कार्य के लिए आभार व्यक्त किया। प्रदेश के युवा प्रतिस्पर्धा के इस दौर में देश के अन्य युवाओं से पीछे न रह जाएं, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा एक अभिनव पहल शुरू की गई है। प्रदेश सरकार की यह अभिनव पहल है स्वर्ण जयंती अनुशिक्षण योजना, जिसके तहत प्रदेश के विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध करवाई जा रही है। पेश है एक रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में अब नौनिहालों के सपने हो रहे हैं साकार।
अब पैसों की कमी पढ़ाई में आड़े नहीं आएगी, क्योंकि राज्य सरकार दे रही है 9वीं से 12वीं तक के हर छात्र को मेडिकल और इंजीनियरिंग की मुफ्त कोचिंग का मौका। राज्य सरकार की स्वर्ण जयंती अनुशिक्षण योजना बन रही है हिमाचल में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों का संबल। इस योजना का फायदा ये होगा कि हिमाचल के जो बच्चे राज्य से बाहर जाकर जेईई और नीट की कोचिंग के लिए लाखों रुपए खर्च करते थे, अब उन्हें हिमाचल में ही ये सुविधा मिल जाएगी और वो भी मुफ्त। इस प्रयास में जेईई और नीट जैसी प्रवेश परीक्षाओं में हिमाचल का वर्चस्व बढ़ेगा, राज्य में इंजीनियर्स और डॉक्टरों की बहार आएगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर होनहार विद्यार्थियों को राज्य के उज्जवल भविष्य का आधार मानते हैं। यही कारण है कि शिक्षा के क्षेत्र में देवभूमि हिमाचल को सिरमौर बनाने के लिए उन्होंने कई अहम कदम उठाए हैं। इनके सकारात्मक परिणाम भी लगातार सामने आ रहे हैं। स्वर्ण जयंती अनुशिक्षण योजना के लिए सरकार ने 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इस योजना को 2 चरणों में चलाने का खाका तैयार किया गया है। ये कोचिंग शिक्षा विभाग की ओर से तैयार किए गए कार्यक्रम हर घर पाठशाला के जरिए दी जाएगी। प्रवेश परीक्षाओं के लिए बच्चों की तैयारी कैसे दुरुस्त हो, इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। बच्चे क्या पढ़ें, कौन सी किताबें पढ़ें, किन बातों का ख्याल रखें, इस सब की जानकारी कोचिंग में दी जाएगी। 12वीं में पहुंचने के बाद होनहार विद्यार्थियों का चयन फाइनल कोचिंग के लिए किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में छात्रों की रुचि का विशेष ख्याल रखा जाएगा कि वो डॉक्टर बनना चाहता है या इंजीनियर। इसी आधार पर बच्चों को दाखिले की तैयारी कराई जाएगी। जो परिवार पैसे के अभाव में अपने बच्चों को कोचिंग कराने की स्थिति में नहीं थे, उन्हें इस योजना से सबसे ज्यादा फायदा होगा। शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल की ऊंची उड़ान। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दोपहर 2 बजे जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 1453 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 448 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 1001 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 37,33,066 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 35,06,870 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 2,25,170 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 2,20,366 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 1,018 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।